जिम जाके स्क्वाट लगाते टाइम या फिर कोई भी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करते टाइम या फिर इवन अपनी डे टू डे लाइफ में आप उठते हो बैठते हो और आपको नीज आपके बॉदर करते हैं, आपको घुटनों में दर्द फील होता है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका क्या रीजन है एंड इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो घर पे बिना किसी दवाई के। इवन कि अगर आपको थोड़ा बहुत परेशानी है, थोड़ी बहुत दर्द होती है, तो भी आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज को इग्नोर मत करो, क्योंकि टाइम के साथ ये चीज बढ़ती है, कम नहीं होती। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज माइंड विद मसल। मेरा नाम है नवजोत सिंह और गाइज आज बात कर रहे हैं नी प्रॉब्लम्स के बारे में, नी पेन के बारे में। बहुत सारे लोगों को स्क्वाट लगाते टाइम, इवन जो लेग प्रेस लगाते हैं या फिर कोई भी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, उससे उनको दर्द फील होता है उनके नीज में। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं भी करते जिम में जाके, लेकिन उनको डे टू डे लाइफ में वो कुर्सी से बैठ के उठते हैं या फिर उठ के बैठते हैं तो उनको अपने नीज में पेन फील होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब तक वजह समझ नहीं आती तो हम उस चीज को फिक्स कैसे करेंगे। सिंपल सा रीजन है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वजह क्या हो सकती है। देखिए, कोई भी आपका जो जॉइंट है अगर वो बॉदर कर रहा है, उसमें पेन फील हो रही है, उसमें कुछ भी दिक्कत, कोई स्टिफनेस वगैरह फील हो रही है, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि उसके जो सराउंडिंग जॉइंट्स हैं, सराउंडिंग जॉइंट्स मतलब के जो नज़दीकी जॉइंट्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है। ऐसा बहुत बार होता है कि आपके जो जॉइंट, जिस जॉइंट में आपको पेन फील हो रहा होता है, आपकी जो दर्द का रीजन है वो उस जॉइंट में नहीं होता, बल्कि रीजन जो है वो किसी और जॉइंट में होता है, आपको दर्द किसी और जॉइंट में फील हो रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम नी जॉइंट की बात करें ना, तो नी जॉइंट के जो सराउंडिंग जॉइंट्स हैं, जो नज़दीकी जॉइंट, वो कौन से हैं? ये आपका नी जॉइंट हो गया, आपका सराउंडिंग जॉइंट है आपका हिप, और दूसरा नज़दीकी जॉइंट है आपका एंकल। नाउ अगर किसी भी वजह से आपका हिप जॉइंट सही से काम नहीं कर रहा, उसमें स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है या फिर उसमें स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, या सेम प्रॉब्लम आपके एंकल जॉइंट में है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसको कॉम्पनसेट करता है आपका नी जॉइंट। मतलब कि कोई भी मूवमेंट आप करते हो, सपोज करो कि आप स्क्वाट करते हो, है ना, आप ऐसे स्क्वाट कर रहे हो और आपके मान लो एंकल जॉइंट में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, मतलब कि अच्छे से स्टेबल नहीं है, ये वाला जॉइंट अच्छे से स्टेबल नहीं है, तो इस चीज को कॉम्पनसेट करेगा आपका नी जॉइंट। ओके, जब आप ऊपर उठना शुरू करोगे तो आपकी बॉडी ये तो नहीं बोलेगी कि नहीं मेरे एंकल जॉइंट में स्टेबिलिटी नहीं है उतनी ज्यादा अच्छे से, तो मैं आपको खड़ा नहीं होने दूंगी, आपकी बॉडी ये नहीं बोलेगी आपको, है ना। लेकिन एक्स्ट्रा वजन आपके नी जॉइंट में पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अक्सर ही जब आपको किसी जॉइंट में पेन वगैरह फील होता है ना, तो उसका रीजन कोई और जॉइंट होता है, किसी और जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, स्टिफनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका एक्स्ट्रा लोड किसी सराउंडिंग जॉइंट पे, किसी नज़दीकी जॉइंट में पड़ रहा होता है और वो जॉइंट आपको बॉदर करना शुरू कर देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे एंकल जॉइंट में या फिर मेरे हिप जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे नी जॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपने ये फिगर आउट करना है कि मेरे किस जॉइंट में प्रॉब्लम की वजह से मेरे नी जॉइंट में पेन हो रही है, तो हिप जॉइंट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैंने उसमें बताया है कि आपने फिगर आउट कैसे करना है कि आपके हिप में प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, और अगर है तो फिर आपने क्या करना है, किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपके हिप जॉइंट में मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो और आपको दूसरे किसी जॉइंट में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप वो हिप वाली वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक आप जाके क्लिक करो और देखो कि कहीं आपको हिप से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम एंकल जॉइंट की बात करने जा रहे हैं। क्या आपका एंकल जॉइंट आपके नी पेन का रीजन है या फिर नहीं है, ये हम पहले तो पता करने की कोशिश करेंगे। अगर है, आपको पता चल गया कि अगर है तो आपने उसको फिक्स कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि पता कैसे करना है कि हमारे एंकल जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि जब आप ऐसे स्क्वाट करते हो ना, जैसे सपोज करो आप नीचे बैठते हो, जैसे जैसे आप नीचे बैठ रहे हो, ज़्यादा डीप जाने की जैसे ही आप कोशिश करते हो तो आपकी एड़ियाँ ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है, आपकी एड़ियाँ ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर उठ जाती हैं। अगर स्क्वाट लगाते टाइम आपकी एड़ी ज़मीन से ऊपर उठती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका एंकल जॉइंट जो है उसमें टाइटनेस की प्रॉब्लम है। देखो ये इसकी रेंज ऑफ मोशन है, ये एंकल जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है, अभी एंकल जॉइंट काम कर रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ पे स्टिफनेस हो, यहाँ से आगे मेरा जॉइंट ना जा पाए,
तो लेकिन मैंने नीचे तो जाना ही है, तो होगा क्या, यहां से मेरी एड़ी ऊपर उठ जाएगी, है ना। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि अगर स्क्वाट लगाते टाइम, नीचे जाते टाइम अगर आपकी एड़ी ऊपर उठ रही है, तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है कि आपके एंकल जॉइंट में स्टिफनेस की प्रॉब्लम है। दूसरा, स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्क्वाट लगाते टाइम जब आप नीचे जाते हो और आपका जो पैर है, जो वजन है पैर के अंदर वाले पोर्शन पे, इस तरह से बहुत सारे लोगों का शिफ्ट हो जाता है। पता कैसे चलता है कि जब आप नीचे जाओगे ना तो आपका पैर इस तरह से अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। आपका ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वजन ज़्यादा आएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। ये चीज़ आपको क्या बताती है, ये चीज़ आपको बताती है कि आपके एंकल जॉइंट में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है। आप वजन उठा के एंकल जॉइंट से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका जॉइंट उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि वो प्रेशर डिवाइड हो जाता है आपके दूसरे जॉइंट्स के ऊपर, आमतौर पर नज़दीकी जॉइंट के ऊपर, इन दिस केस आपके नीज के ऊपर। सीधा मतलब इसका क्या है, अगर आपके एंकल जॉइंट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, स्ट्रेंथ से रिलेटेड, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड, तो उसको ओवर कॉम्पनसेट करता है आपका नी जॉइंट, मतलब कि आपके नी जॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आप नी जॉइंट में पेन फील करते हो। आपका पैर और आपका एंकल जॉइंट कितने अच्छे से काम करता है या फिर कितने खराब तरीके से काम करता है, इसके बारे में ना आपके जूते जो होते हैं, आपकी चप्पल जो होती है, वो भी बहुत अच्छे से बता देती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ये जो अंदर वाला पार्ट है इसमें ज़्यादा वो बैठ गई होती है चप्पल, इधर वाले जो पार्ट में उतनी ज़्यादा नहीं बैठी होती है। होना क्या चाहिए कि जो सामने वाले दोनों पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका प्रेशर पड़ता है जब आप खड़े होते हो या फिर उठक बैठक करते हो, तो ये वाले दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका प्रेशर पड़ता है। अगर ये वाला पॉइंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठी हुई है चप्पल, यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो इसका भी मतलब यह है कि आपका जो पैर है वो अंदर की तरफ, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। आपका जो एंकल जॉइंट है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और सिर्फ स्क्वाट लगाते टाइम ही नहीं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आप एक्सरसाइज करोगे, आप स्क्वाट लगाओगे तभी उसके ऊपर, आपके जॉइंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। जब आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप जो चलते फिरते उठते बैठते हो ना, उन मूवमेंट्स के दौरान भी आपके जॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा होता है। वो जिम में जाके एविडेंट इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमने लोड के साथ उस गाड़ी को अभी हम भगा रहे हैं। मैंने ये बात पहले भी एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप खराब अलाइनमेंट वाली गाड़ी को जब आप लोड डाल के तेज़ भगाने की कोशिश करोगे तो उसमें जो भी कमियाँ होंगी वो ज़्यादा एविडेंट हो जाती हैं। तो जिम में जाके ये चीज़ आपको ज़्यादा एविडेंट इसलिए होती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आपकी मूवमेंट में, आप डे टू डे लाइफ में भी जो भी मूवमेंट्स करते हो ना उसमें भी आपके प्रॉब्लम होती है। अगर आप जिम में जाके एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो एविडेंट नहीं होती, लेकिन ओवर टाइम अगर आप इस चीज़ को आप एड्रेस नहीं करते तो ओवर टाइम आप 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपके घुटने आपको उस चीज़ का पता लगाना शुरू कर देते हैं, आपको बॉदर करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए कि आपने फिगर आउट कैसे करना है कि आपके एंकल में प्रॉब्लम है या फिर नहीं। सीधा सिंपल, अगर आप नीचे जा रहे हो आपकी एड़ियाँ ऊपर आ रही हैं या फिर आपके पंजा जो है वो अंदर की तरफ मुड़ता है, तो इसका मतलब है कि आपके एंकल जॉइंट में प्रॉब्लम है। आपको एंकल मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तब आपके घुटनों के ऊपर से प्रेशर हटेगा, सीधा आपके एंकल जॉइंट पे जहां पे आना चाहिए वहां पे आएगा। इसको फिक्स कैसे करना है, बहुत सिंपल है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने हर रोज करनी है, और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, घर में बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं कॉम्बैट स्ट्रेच। ओके, एक्सरसाइज करनी कैसे है, ऐसे आप आराम से स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठोगे, जितना आप नीचे जा सकते हो बिल्कुल कंफर्टेबली आप बैठ के, उसके बाद अपने वेट को, बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे। जब आप आगे की तरफ शिफ्ट करोगे तो आप नेचुरल सी बात है कि आपकी जो एड़ी है, ये जो एड़ी है ये ज़मीन से ऊपर उठना ऐसे चाहेगी, लेकिन आपने बॉडी वेट को आगे ले जाते हुए उस पॉइंट तक लेके जाना है जिस पॉइंट तक आपकी एड़ी नीचे ज़मीन से बैठी रहे, ये उठनी नहीं चाहिए। मैक्सिमम जितना आप आगे जा सकते हो, वेट को आगे शिफ्ट कर सकते हो उतना वेट को आगे शिफ्ट करना है। आप देखोगे कि आपके जो नीज हैं वो आपके टोज से काफ़ी आगे चले जाएंगे, और जब आप मैक्सिमम आगे चले जाओगे तब आपने अपने पंजे को ज़मीन से ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आपका वेट आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है और आप अपने पंजे को उठा पाओ, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने ये एक टेंशन क्रिएट करनी है। सिर्फ हमारा मकसद क्या है,
कि हम मसल्स को एंगेज कर पाएं जो कि इस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो हम करेंगे क्या, आगे की तरफ जाएंगे। आप इस तरह से हाथों का सहारा भी ले सकते हो, अगर आपका बैलेंस ऑफ होता है तो आप हाथों का सहारा लेके अपने वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, जितना मैक्सिमम शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद अपने पंजे को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, इसको ऊपर आपने उठा के रखना है 3 सेकेंड्स के लिए, 1, 2, 3 एंड देन रिलैक्स, पीछे की तरफ आप आ जाओगे। इस तरह से ये आपकी एक रेपिटेशन है। ओके, देन अगेन हम नेक्स्ट रेप परफॉर्म करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे जितना मैक्सिमम जा सकते हैं, एड़ी ज़मीन से उठनी नहीं चाहिए। जब मैक्सिमम वेट आगे की तरफ शिफ्ट हो गया तब हम पंजे को ज़मीन से उठाने की कोशिश करेंगे, पूरी जान के साथ जब हम इसको उठाने की कोशिश करेंगे 3 सेकेंड्स के लिए, 1, 2, 3। आप नोटिस करोगे कि जब आप इसको उठाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके इस वाले एरिया में आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन महसूस होगी, आपको दर्द फील होगा इस वाले एरिया में, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये चीज़ ईजी होती जाती है। तो करना क्या है, आगे की तरफ जाके पंजे को उठा के 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके टेंशन को एंड देन रिलीज, इसके 5 रेप्स आप लगाओगे, 2 सेट्स आप हर रोज़ लगाओगे। स्पेशली जब आप कोई लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करते हो, स्क्वाट लगाते हो, लेग प्रेस लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो आपने ये वाली एक्सरसाइज पहले करनी है। पहले आप ये वाली एक्सरसाइज के एटलीस्ट 2 सेट्स 5-5 रेप्स के लगा सकते हो। 2 सेट्स लगाने के बाद आपने कोई भी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करनी है। इसके साथ साथ हर रोज़ ये एक्सरसाइज आपने करनी है। देखिए इसको, ये मोबिलिटी एक्सरसाइज है, और मोबिलिटी एक्सरसाइजेज के साथ प्रॉब्लम पता क्या है, ये बहुत ही बोरिंग होती हैं, सीधा टू बी वेरी फ्रैंक ये बोरिंग होती हैं, मन नहीं करता है इसको करने का, लेकिन ये आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आप चाहते हो कि आपके एंकल जॉइंट में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो। ये एक्सरसाइज आपको अपने ट्रेनिंग रूटीन का एक इंटीग्रल पार्ट आपको इस एक्सरसाइज को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना, पहले आपने फिगर आउट करना है अगर है प्रॉब्लम, देन आपने ये वाली एक्सरसाइज लगातार करनी है इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। जब आपके एंकल जॉइंट में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा, तो आपके घुटने में से प्रेशर हटता जाएगा धीरे धीरे करके। इसको टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आपके आप में प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सिवियर है। अगर बहुत ही ज़्यादा सिवियर है तो हो सकता है कि कुछ महीनों तक का टाइम लग जाए, अगर बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है तो हो सकता है कि कुछ हफ्तों में आप इस प्रॉब्लम से निजात पा लें। सो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, वैसे इसी सीरीज़ में और जॉइंट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसी सीरीज़ में आपकी लोअर बैक के बारे में बात की है, आपके अपर जो शोल्डर्स हैं, राउंडर शोल्डर्स के बारे में मैंने बात की हुई है। इस सीरीज़ में ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्पेशली अगर आपको लगता है कि किसी को, आपके किसी घर वाले को ये वीडियो हेल्प कर सकती है, तो उसके साथ शेयर कीजिए। मजा कीजिए, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे बैडास।